है खास हर अंदाज। किसी ने देखा क्या चाची जी को? पता चला कुछ कहाँ है वो? अम्मा जी, आप कहें तो हम खाना लगवाने की तैयारी करें। खाना रहने दे अभी, रेवती बहन पता नहीं कहाँ चली गई, बहुत चिंता हो रही है। अटोनी, एक काम कर, जाकर भैरव बाबा के मंदिर में देख। आज सोमवार है, दादी वहां पर शिव चालीसा सुनने गई होंगी। हाँ, वहीं होंगी, तू जाकर देखना। काफी समय हो गया, न जाने दादी कहाँ चली गई हैं। मुकरी मुकरी सुनो, वो दुकान वाला है ना, वहां जाओ और जाके चेक करो, कहीं दादी उसको डांटने तो नहीं चली गई है वहां पे। अरे हाँ हाँ, हड़का देना, तुम जल्दी जाओ। कमाल है, हमारे और दादी के बीच सुलह भी हो गई, फिर वो दुकान वाले के पास क्यों चली गई उसे सुनाने के लिए? हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, हमारी दादी चैन से बैठने वाली जीव है ही नहीं। उनको जब धुन सवार हो जाती है तो उनको कुछ नहीं सूझता, इसीलिए जाने से पहले बताना भूल गई होंगी। हमको तो यही लगता है, पर ना जाने कहाँ गई हैं, फिर भी बता के तो जाना चाहिए ना। चाचू, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए, कमर में मोच आ जाएगी आपके चाचू, मैं आपकी मदद कर देता हूं। हम ले जाएंगे। अरे इतना भारी संदूक ये कहां ले जा रहे हो? अरे कोई बात ही नहीं, ऐसी हम ले जाएंगे अकेले, कोई बात नहीं। अच्छा चाचू, आपसे एक सवाल करना था, क्या आपने रेवती दादी को कहीं देखा? क्योंकि आखिरी बार मैंने उन्हें आपके साथ ही देखा था कमरे में, याद है, मैं जब अपना मोबाइल ढूंढने आया था। हाँ तो जब तुम फोन लेके गए तो तुम्हारे पीछे पीछे वो भी चली गई थी, अब मेरे साथ में थोड़ी अभी तक घूम रही होंगी। चाचू, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, बस सब काफी परेशान लगे पड़े हैं। लेकिन हुआ क्या है? मिल ही नहीं रही वो। बहुत देर से दादी को ढूंढ रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ चली गई। हो सकता है वो कहीं गई हो, शायद जल्दी जल्दी में किसी को बताना भूल गई होंगी। हाँ तो बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब देखो ना कितना टेंशन हो रहा है। वैसे संजय, इस संदूक में है क्या?